से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, सीधा रुख करूंगा आपका, यह कार्रवाई परिवर्तन दस्ते की तरफ से की जा रही है, तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, आखिर यह कार्रवाई इस बिल्डिंग पर क्यों हो रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। बुलडोजर है वो इस अग्निदम कोचिंग संस्थान पर चल रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती पेपर परीक्षा में जो लिप्त आरोपी थे वो इस कोचिंग संस्थान को संचालित कर रहे थे। शुक्रवार को जेडीए ने बहत्तर घंटे का नोटिस जारी किया था इस बिल्डिंग के मालिक को, क्योंकि किराए पर ये बिल्डिंग चल रही थी। उसके बाद जैसे ही नोटिस की समय अवधि पूरी हुई, उसके तुरंत बाद जेडीए का दस्ता यहाँ पर पहुंचा है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। देखिए, जेडीए के जो बुलडोजर हैं इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। मैं आपको चारों तरफ से जो तस्वीरें हैं वो इस बिल्डिंग की दिखा रहा हूँ। इधर किस तरह से जो लिप्त थे आरोपी वो ये संस्थान चला रहे थे, उन पर ये उनके जो मंसूबों पर ये बिल्कुल विष्णु तो मंसूबों पर पानी फिर गया और अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर यह बड़ी कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि उन पर आरोप है कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में उनकी अहम भूमिका रही है। विष्णु, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा थी, जी बिल्कुल हैदर, जो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा थी उसमें जो आरोपियों की भूमिका जो आई थी सामने, उनके द्वारा ये कोचिंग संस्थान है वो संचालित किया जा रहा था। किराए पर ये बिल्डिंग ली गई थी, किराए पर बिल्डिंग लेकर चलाई जा रही थी, कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा था। उसके बाद जेडीए के पास शिकायत पहुंची, जेडीए ने मौका मुआयना यहाँ पर दो दिन पहले मौका मुआयना किया था इस पूरी बिल्डिंग का, तब भारी अनियमितता है वो खड़ी की है, दो भूखंड हुआ है, अवैध बिल्डिंग खड़ी की है, दो भूखंडों को जोड़कर ये बिल्डिंग बनाई गई जो कि अवैध थी। इस अब पूरी अवैध जो बिल्डिंग है उस पर कहीं ना कहीं जो जेडीए का दस्ता है वो कार्रवाई कर रहा है। जी हैदर, बिल्कुल, तो परिवर्तन दस्ते की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है और अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर यह कार्रवाई मुख्य आरोपियों द्वारा संचालित किया जा रहा था ये इंस्टीट्यूट, इसलिए इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस वक्त कितनी कार्रवाई अब तक हो चुकी है, कितने जो इस बिल्डिंग का कितना ध्वस्त किया जा चुका है वो हमारे दर्शकों को भी बताइए और दिखाइए वो तस्वीरें जहां इस वक्त ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार हम दिखा रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। जेसीबी की तरफ से जो ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जेसीबी के द्वारा जो किया जा रहा है और अधिकारी तमाम मौजूद हैं, पुलिस जाब्ता वहां तैनात मौजूद है। और बताइए कि आखिर कब तक ये कार्रवाई चलेगी? जेडीए के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जेडीए की टीमें यहाँ पर तैनात है, जो मुख्य परिवर्तन नियंत्रक हैं रघुवीर सैनी जी, उनसे बातचीत करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो पूरी जानकारी देंगे। जो जेडीए के परिवर्तन के जो अधिकारी हैं रघुवीर सैनी जी वो हमारे साथ हैं। सर, आपने नोटिस जारी किया, मौका मुआयना किया, अवैध बिल्डिंग थी, अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। देखिए कि हमारे जो ही अवधान में आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्तों के द्वारा संचालित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट और उनका अड्डा इस बिल्डिंग में संचालित है, अविलंब हमने हमारी राजस्व और तकनीकी टीम द्वारा पूरा सूक्ष्मता से परीक्षण करवा करके और हमारा पूरा परीक्षण करके सूक्ष्मता से उसके आधार पे पूरा परीक्षण करके सूक्ष्मता से और विधिक कार्रवाई करते हुए हम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ये कर रहे हैं। हमने कल 5 बजे तक को समय दिया था कि आप अपने अवैध निर्माण को हटा लें, न तो इन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत किया। कल प्रातः हमने पुनः इनको विधिक नोटिस दे करके और इस बिल्डिंग को खाली करके और अवैध निर्माण को हटाने हेतु पुनः हमने कहा था, लेकिन इनके कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हमने इन्होंने कोई पक्ष अपना प्रस्तुत नहीं किया। आज चूँकि जैसे ये दो आवासीय भूखंडों के ऊपर न केवल जीरो सेटबैक पे है अपितु रोड सीमा को भी अतिक्रमित अवैध कब्जा करते हुए बेसमेंट और 5 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग बनी हुई है आवासीय भूखंडों पर, इस प्रकार से ये संपूर्ण बिल्डिंग अवैध है, इसलिए हम पूरी विधिक प्रक्रिया में देते हुए पूरी विधिक प्रक्रिया अपना कर नियमानुसार हम इसका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी? जी, पूरी बिल्डिंग अवैध है, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रातः से
चल रही है। सर ये जो बुलडोजर जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं प्रकरण में बुलडोजर चल रहा है। देखिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की नीति पेपर लीक प्रकरण में जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के पीछे भी तात्कालिक कारण पेपर लीक प्रकरणों के मुख्य अभियुक्तों के जो अड्डा था, कोचिंग इंस्टीट्यूट था अधिगम, ये तात्कालिक कारण है। ध्वस्तीकरण का मुख्य आधार इसका पूरी तरह से अवैध बिल्डिंग होना, आवास के ऊपर व्यावसायिक और रोड सीमा को अतिक्रमण करते हुए अवैध बिल्डिंग होना इसका मूल आधार है ध्वस्तीकरण का। तो देखिए जिस तरह से जेडीए के अधिकारी बता रहे थे कि इस पूरी बिल्डिंग बिल्कुल तो कार्रवाई लगातार की जा रही है और अधिकारी लगातार बता रहे हैं कि इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।